हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज उदेश गुप्ता फ्रॉम सारथी ग्रुप्स, दी परफेक्ट होम फाइंडर। दोस्तों, अगर आप मीरा रोड लोकेशन में 1 BHK, 2 BHK, 2.5 BHK, 2+2, 1+1, 1+2 ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देख रहे हैं, फ्लैट के ऑप्शंस देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज मैं आपको जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ उसके बिल्डर है MICL मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अलावा आराध्या पार्कवुड आज के प्रोजेक्ट का नाम है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये कनेक्टेड है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से विद इन 2 मिनट, यानी कि सामने की तरफ आपको हाईवे देखने को मिलेगा। विद इन 2 मिनट आप मेट्रो स्टेशन चेक नाका यानी कि मुंबई में एंटर करते हो, आप ठाकुर मॉल के पीछे साइड में ये लोकेशन आता है एंड मीरा रोड का वन ऑफ दी पॉश एरिया आज की डेट में कहलाएगा ये। MICL ने इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन किया है वो बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं MICL का, ये आज की डेट में OC रिसीव्ड हो चुका है। आराध्या हाई पार्क नाम से इसे लॉन्च किया था और अब तक का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है मीरा रोड का, और आज की डेट में इसमें कोई भी फ्लैट नहीं बचे हैं, आपको रीसेल में देखने को मिलेंगे बट बिल्डर के पास से सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। रही बात अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो इनका अभी एक नया प्रोजेक्ट है जो आराध्या पार्कवुड नाम से है। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये आराध्या हाई पार्क के जस्ट बाजू में आपको सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल देखने को मिलता है, प्लस उसके बाजू में आपको आराध्या पार्कवुड ये नया प्रोजेक्ट फेस 2 देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लब हाउस है, जिम है, स्विमिंग पूल है, 37 फ्लोर का टावर है, इसमें A to Z एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, रूफ टॉप एमिनिटीज़ देखने को मिलेगी, 37 फ्लोर का टावर है, संजय गांधी नेशनल पार्क के व्यू के ऑप्शंस के साथ में, सिटी व्यू के ऑप्शंस के साथ में। सो लेट्स चेक आउट द प्रोजेक्ट, पूरा बिल्डिंग का टूर लीजिए, पूरा फ्लैट का टूर लीजिए एंड डू लेट। BHK फ्लैट MICL आराध्या पार्कवुड एंड दिस इज द फ्लैट, सैम्पल फ्लैट एंड हाईवे टच है, ठाकुर मॉल के पास है। जब आप फ्लैट में एंटर करते हो ब्रास फिटिंग का डोर देखोगे आपके एंट्रेंस पे, फिटिंग फिक्स्चर्स सारे ब्रांडेड क्वालिटी के हैं। दिस इज एन एक्स्ट्रा सेक्शन, टेंपल प्लान कर सकते हो, शू रैक प्लान कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। लिविंग रूम बहुत शानदार है, एल शेप्ड लिविंग रूम है, डाइनिंग सेक्शन आपको मिल जाता है, 4 to 6 सीटर तक का डाइनिंग टेबल आप प्लान कर सकते हो, इवन बिगर देन दैट। सिटिंग एरिया में आपको सोफा प्लान कर सकते हो, टीवी यूनिट के लिए जगह मिल जाती है, फुल साइज में एडोनाइस स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हो, सॉरी मिलेंगी आपको बिल्डर की तरफ से एल्यूमिनियम की। उसके अलावा जब आप अपने बेडरूम में जाते हो तो बेडरूम में कुछ इस तरह से आपको बेडरूम आप प्लान कर सकते हो, आपका जो साइज है बहुत आइडियल है, आपका किंग साइज बेड लगा सकते हो, वार्डरोब आपको जगह इतना मिल जाता है कि आपका बड़ा सा वार्डरोब आ जाए, ड्रेसिंग टेबल के लिए जगह मिल जाता है, मास्टर बाथरूम एंड टॉयलेट आपको इसमें देखने को मिलेगा, बिकॉज मास्टर बेडरूम है तो मास्टर बाथरूम मिलेगा। सो मास्टर बाथरूम कुछ इस तरह से है, आपका कमोड सेक्शन यहाँ पर आ गया बीच में, उसके अलावा आपका वॉश बेसिन सेक्शन है, आपका शावर सेक्शन है, तीनों चीज़ों के लिए जगह है। इसमें भी फुल साइज में विंडो देखोगे, व्यू के ऑप्शंस शानदार है, नेशनल पार्क व्यू है, आपको माउंटेन व्यू है, आपको सिटी व्यू है, तो व्यू में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, और लोकेशन शानदार है, हाईवे के पास में है, ठाकुर मॉल के पास में है। सो इसमें आपको एक और सेक्शन आता है दूसरे साइड में, जब आप आते हैं तो आपको आपका बाथरूम एंड टॉयलेट देखने को मिलेगा। दिस इज योर कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट, सेम साइज का है, फिटिंग फिक्स्चर्स थोड़े डिजाइन में अलग हो सकते हैं लेकिन क्वालिटी में सेम है। आपको ग्लॉसी टाइल्स ऊपर मिल जाएगी, नॉन स्लिपरी टाइल्स नीचे मिल जाएगी, 3 सेक्शन में सेम डिवाइडेड है एंड प्रॉपरली वेल डिजाइंड मिलता है आपको, फिटिंग फिक्स्चर्स सारे ब्रांडेड क्वालिटी के आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका एक सेक्शन है जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके रूम का। दिस इज योर किचन सेक्शन, 2 ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, वॉशिंग मशीन के लिए जगह मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, अपने हिसाब से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो। आपको एक स्टेनलेस स्टील सिंक विथ जगवार की फिटिंग का नल या फिर जो भी ब्रांडेड क्वालिटी का उस टाइम पे अवेलेबल रहता है तो उसके हिसाब से इन लोग आपको प्रोवाइड करके देते हैं, बाकी चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसमें भी टाइलिंग वर्क आपको देखने को मिलेगा फ्लैट में, आपके किचन के जो सेक्शंस होते हैं नॉर्मली ये क्या होता है कि टाइलिंग वर्क अगर ना रहे तो गंदा हो जाता है, यहाँ पर भी आपको टाइलिंग वर्क अच्छा सा देखने को मिलता है, बाकी फ्लोरिंग भी आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है पूरे फ्लैट में। दिस इज़ योर लास्ट सेक्शन ऑफ 2 BHK फ्लैट। 2 BHK में 2 कॉन्फ़िगरेशन है, 650 एंड 670, सो आप जो ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दिस इज़ योर कॉमन बेडरूम, कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम का साइज़ ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है, दोनों बड़े साइज के हैं, किंग साइज़ का बेड या फिर क्वीन साइज़ का बेड अपने हिसाब से लगा सकते हो, वार्डरोब का जगह है एंड यू हैव अ फुल साइज विंडो विद अ एल्यूमिनियम एडोनाइज स्लाइडिंग विंडो एल्यूमिनियम की एंड यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा सा कोई टेबल लगाना है या फिर डिज़ाइन तैयार करना है, टीवी लगाना है अपने हिसाब से लगा सकते हो, ड्रेसिंग टेबल के लिए जगह मिल जाती। दिस इज योर कॉमन बेडरूम, बच्चों के हिसाब से प्लान कर सकते हो या फिर अपने मम्मी पापा के हिसाब से प्लान कर सकते हो, सब चीज़ों के लिए जगह है। अगर आप इसे पर्सनली विजिट करना चाहते हो, ये वीडियो आपको पसंद आया और पर्सनली विजिट करना चाहते हो, डू लेट मी नो एंड कॉल नाउ फॉर मोर डिटेल्स।
बाय बाय।